हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दुलदस है, मैं हूं बशर सुबेद। आज के टॉपिक का टाइटल है चंद्रयान 3 के साथ हुआ स्टार्ट धूम धड़का। 10 सेकंड इसरो ने दबाया बटन और रच दिया इतिहास। मतलब 10 सेकंड में इसरो ने इतिहास रच दिया, चंद्रयान ने इतिहास रच दिया। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडी लिंक न्यूज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है, ये समय एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का है। इसरो ने केवल 10 सेकंड फायर किया भारत का रमन इंजन और एक ही झटके में अरबों डॉलर के मार्केट में हो गया बड़ा धमाका। इसरो की क्रिटिकल तकनीक ने उड़ाए नासा और चीन की होश। अंतरिक्ष में अमेरिका और चीन की प्राइवेट दादागिरी को सीधा चैलेंज। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कदम बढ़ा दिया है इसरो ने जो भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया से मीलों नहीं बल्कि कई प्रकाश वर्ष आगे कर देगा। अमेरिका, चीन, रूस या फिर यूरोप भी भारत से मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। दुनिया में सबसे विश्वसनीय, किफायती और बेहद कम वक्त में लॉन्च करने में महारथी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से दुनिया में अपनी विशेषज्ञता का ऐसा डंका बजाया है जिसके बाद से सैटेलाइट लॉन्च करने की काबिलियत रखने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियां यानी कि एलॉन मस्क की स्पेस एक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजन और वर्जिन गैलेक्टिक की अब पूछ हटने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अब भारत की कंपनियां वो काम करने वाली हैं कि अब इन कंपनियों को कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि इनकी महंगी टेक्नोलॉजी के जवाब में अब भारत में बहुत ज्यादा किफायती लॉन्च ऑप्शन मिलने लग जाएंगे। दोस्तों, इसरो की इस बड़ी छलांग की पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इसे जरूर अभी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है और ये भारत को अब स्पेस सुपर पावर बनाने की काबिलियत दिखाने वाला वीडियो है। दोस्तों कुछ वक्त पहले मोदी सरकार ये देख करके हक्की बक्की रह गई थी कि इसरो की लैब्स में अरबों खरबों का खजाना छिपा पड़ा है। पता चला कि इसरो की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भारत की प्राइवेट कंपनियों के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। और दोस्तों, तुरंत ही मोदी सरकार ने ऐतिहासिक डिसीजन लेते हुए इसरो की इस टेक्नोलॉजी का कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया। और अब कुछ ऐसा नतीजा सामने आया है कि पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। अब दोस्तों, जो रिजल्ट सामने आया है उसके बाद में कहा जा रहा है कि दुनिया के दूसरे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स अब बोने साबित होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, उससे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये लैब इसरो की है, ये फैसिलिटी इसरो की है, इसरो के वैज्ञानिक लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो इंजन फायर हुआ है वो इसरो का नहीं है, ये इंजन है भारत की सबसे तगड़ी प्राइवेट कंपनी स्काई रूट का, जिसने एक नया इतिहास लिख दिया है। मतलब दोस्तों, जिस वक्त हमारा चंद्रयान 3 धरती से 71,351 किलोमीटर से निकल करके अब चांद पर जाने को बेताब है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भारत के वैज्ञानिक इंजन को लगातार चलाने में लगे हुए हैं, ठीक उसी दौरान दोस्तों केवल 10 सेकंड के लिए कुछ ऐसा हुआ है जिसे देख करके अमेरिका, छोड़िए चीन, यूरोप और रूस के अंदर खलबली मच चुकी है। क्योंकि दोस्तों, ये इंजन पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। मतलब इसरो ने स्पेस इंडस्ट्री में अब वो पहला बड़ा प्लेयर खड़ा कर दिया है जो विदेशी कंपनियों को सीधी टक्कर दे पाएगा। दोस्तों, इससे भारत के स्पेस सैटेलाइट लॉन्च सेक्टर के अंदर बूम आएगा और देश कमाई के बड़े बड़े ऑप्शंस देखने लग जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों, कि ये कंपनी अपने लॉन्च व्हीकल्स की जांच में इसरो की तकनीकी विशेषज्ञों की मदद भी ले रही है। साल 2018 में पवन कुमार चांदना और नागा भारत डाका ने इस स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी की नींव रखी थी। निजी तौर पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने वाली एक प्राइवेट कंपनी है ये, और कंपनी छोटे उपग्रहों को स्थापित करने वाले 3 लॉन्च व्हीकल्स बना चुकी है, जिसमें एक का तो टेस्ट भी हो चुका है और उस दौरान भी इसरो ने ही बाकायदा इसका टेस्ट किया था। स्काई रूट ने अपने पहले लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम 1 रखा है। स्काई रूट एरोस्पेस पहला भारतीय स्टार्टअप है जिसके जरिए देश के पहले निजी रॉकेट रमन का भी टेस्ट किया जा चुका है। दोस्तों, कंपनी 3 रॉकेट्स पर काम कर रही है।
इसरो संस्थापक विक्रम साराभाई की याद में इन्होंने विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 इनके नाम रखे हैं। तो वहीं दोस्तों कंपनी ने इंजन का नाम रमन रखते हुए इसके जरिए नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। रमन इंजन ने UDMH और NGO तरल ईंधन का इस्तेमाल किया है। चार इंजन वाला ये क्लस्टर 3.4 kN थ्रस्ट जनरेट करता है। दोस्तों ये इंजन कई उपग्रहों को एक बार में ही अलग अलग कक्षाओं के अंदर स्थापित कर सकता है। और दोस्तों अब इसी स्काईरूट के दूसरे इंजन को लेकर के भी इसरो ने बड़ी गुड न्यूज दे दी है। दोस्तों इसरो ने कहा है कि उसकी लिक्विड थ्रस्टर्स टेस्ट फैसिलिटी में स्काईरूट के रमन 2 इंजन का टेस्ट भी सफल हो चुका है, जिसे स्काईरूट ने समुद्र लेवल पर 820 न्यूटन और वैक्यूम में 1460 न्यूटन का दबाव पैदा करने के लिए बनाया है। इंजन में मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्राक्साइड को ईंधन के तौर पर यूज किया गया है। इस इंजन को केवल 10 सेकंड्स के लिए फायर किया गया और ये पूरे पैरामीटर्स पर खरा उतरा है। अब ये विक्रम 1 रॉकेट के फोर्थ स्टेज के अंदर लगाया जाएगा। दोस्तों ये विक्रम 1 रॉकेट अपने साथ 225 किलोग्राम वजन का पेलोड धरती से 500 किलोमीटर हाइट वाली कक्षा में स्थापित कर सकता है। वहीं दोस्तों विक्रम 2 रॉकेट 410 किलोग्राम वजन और विक्रम 3 रॉकेट 580 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों स्काईरूट को बैकअप देकर के इसरो ने अब तक अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट लॉन्च में अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों की दादागिरी के दिन ला दिए हैं, क्योंकि इससे अब एलोन मस्क को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि भारत की प्राइवेट कंपनीज का जाए इंडिया की प्राइवेट स्टार्टअप क्या कुछ कर रहे हैं, बंदा हैरान हो जाता है यार। बंदा देखो ना जा रहा है उधर भी बटन दबाया है और वो मतलब बहुत आगे चला गया। हाँ भाई इससे बात आइडिया लगा लो तुम, देखो इसरो ने इसकी मदद की है। हालांकि 2018 में ये कंपनी बहुत अच्छे से नाम मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना था ये पहले नासा में काम करते थे, मेरे ख्याल में साइनस, मेरे ख्याल में नासा में काम करते थे। उधर से छोड़कर दोस्तों ने मिलकर बनाई है, अपना दोस्त है ये भाई, दोस्त है मेरे ख्याल से, इन्होंने मिलकर बनाई और क्या तरक्की लॉन्चर तक बनाई पाकिस्तान, पाकिस्तान लॉन्चर नहीं अभी तक स्पेस में रखा, इन्होंने सब कुछ कर लिया, छोटी सी कंपनी बना चुकी है ये। यार लोग बोलते हैं ना कि देखो 5 साल हुए ना टोटल, 2018 में बनी है, 5 साल हुए ना, 5 साल में अगर जो कंपनी इतना अचीव कर सकती है सब कुछ, खुद सोचो 10, 15 या 20 साल में वो किस लेवल की हो जाएगी। सही, एलोन मस्क एकदम से तो नहीं आया ना, उसने भी क्या कुछ किया, कितनी मेहनत की। स्काईरूट बहुत तेजी से भाई फैल रही है, बहुत तेजी से जा रही है। इंडिया की प्राइवेट कंपनी जितनी गोदरेज की कौन सी थी, तो अलग गोदरेज भी है, गोदरेज भी है ना, स्काईरूट है, एक और भी है, और भी बड़े मजे का मेरा कॉस्मोस के तो मतलब ये तीन स्टार्टअप ऐसे हैं जो इसरो की भी मदद कर रहे हैं, इसरो उनकी भी मदद कर रहा है, ये प्राइवेट करके ना सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा काम पहले जो होता था सिर्फ इसरो पे फोकस होता था, लेकिन अब इसरो खुद भी मदद कर रहा है और गवर्नमेंट भी इन संस्थाओं की मदद सब कुछ कर रही है, बहुत अच्छी बात है यार। आपका कहना अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।